In the name of Almighty Allah, my name is Sahak from Sahak Graphic. Dosto, aaj ke tutorial mein hum seekhenge how to create this cool brochure design in Adobe Photoshop CC 2015.5. To dosto, is brochure ko hum recreate karenge Adobe Photoshop mein. Isko kaise recreate karte? To chaliye dosto, jump karte directly Photoshop mein. जैसे देखिए दोस्तों, मैंने इसको अभी रिसेंटली बनाया है. इसको हम रिक्रिएट करेंगे दोस्तों. ये ट्राईफोल्ड ब्रोशर है. तो सबसे पहले हम यहाँ से कंट्रोल एन से न्यू न्यू में से यहाँ से ए फोर साइज लेते हैं. इंटरनेशनल पेपर में ए फोर साइज. ओके, ए फोर साइज को यहाँ से इसका जो रोटेशन है हम 90 डिग्री इसको रोटेट करते हैं. रोटेट करने के बाद यहाँ से व्यू में जाके न्यू गाइड में यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ दोस्तों. अभी इमेज में जाएंगे तो इमेज साइज़ देखेंगे तो ये साइज़ है दोस्तों 3508. इसको डिवाइड बाई 3 करते हैं. अगर इसको हम डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 1169.3 होता है. इसलिए यहाँ से हम एक गाइड क्रिएट करेंगे दोस्तों. न्यू गाइड यहाँ पे 1169.3 px मीन पिक्सल. ओके, वर्टिकली एक लाइन आया. अभी फिर से न्यू गाइड, तो यहाँ से फिर इस बार मैं लिखता हूँ कि उसको डबल करते 2388.6. उसी नंबर को डबल किया तो ये अभी देखिए एग्जैक्टली ये हमारा ब्रोशर जो है थ्री पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं दोस्तों. एग्जैक्टली यहाँ तक इसका जो स्ट्रोक है ख़त्म करते हैं. स्ट्रोक ख़त्म करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं. ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट देखिए दोस्तों मैंने अप्लाई किया. इस ग्रेडियंट का आप लोग नंबर चेक कर सकते हैं, ये नंबर एंड ये सिंपल नंबर चेक कीजिए. मैंने ये ग्रेडियंट अप्लाई किया. मेरे बहुत से जो कमेंट्स मेरे को आते हैं दोस्तों, इसी वजह से आते हैं कि आप कौन सा ग्रेडियंट यूज़ करते हैं. मैं सिंपल ग्रेडियंट यूज़ करता हूं दोस्तों. ये देखिए मैंने आपको नंबर दिखाया, ये नंबर से आप लोग इस ग्रेडियंट को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों. तो बेसिकली मैंने ये ग्रेडियंट अप्लाई किया. ग्रेडियंट्स के बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड है. ओके, इस बैकग्राउंड को मैंने pixabay.com से डाउनलोड किया है. फ्री में डाउनलोड किया है, फ्री यूज़ के लिए है. आप लोग उसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों. कमर्शियल यूज़ भी आप इसको कर सकते हैं. मैं इसको ट्यूटोरियल में मैंने यूज़ किया है दोस्तों. तो अभी ये बैकग्राउंड को हम यहाँ से मल्टीप्लाई एंड यहाँ से हम इसको 20 पिक्सल कुछ इतना हम इसको रहने देंगे दोस्तों. 20 ओपेसिटी. तो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड हो गया क्रिएट दोस्तों. इस बैकग्राउंड को मैं कंट्रोल टी, इसको हम देखते. ओके, ओके, अभी बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है दोस्तों. बैकग्राउंड को मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से. इन इसको भी हम लॉक कर देते हैं ताकि मिस्टेकली हम इसको छेड़े ना. ओके, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं. ओके, ये दोनों बैकग्राउंड हो गए. इसको हम कंट्रोल जी करके इसको हम BG बैकग्राउंड का नाम देते हैं. बैकग्राउंड लॉक हो गए. अभी मैं यहाँ से पेन टूल लेके
सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एंड वापस यहाँ पे एंड यहाँ पे, ऐसा शेप मैंने क्रिएट किया दोस्तों। इस शेप को हम अभी यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, ये शेप मैंने क्रिएट किया दोस्तों। इस शेप को भी हम यहाँ से जो स्ट्रोक है वो ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, स्ट्रोक नहीं चाहिए हमें। अभी यहाँ से पिन टूल लेके मैं दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों, इसको कर्व्स बनाने के लिए दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने कैसे कर्व बनाया, ये कर्व बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट को कंट्रोल के साथ ये पॉइंट को, ओके दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, ये पॉइंट को प्लस ये पॉइंट को, इसको मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ इसको, तो अभी इस दो पॉइंट को मैं ऊपर की तरफ एरो से इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को, ये दो पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा नीचे की ओर ले जा रहा हूँ, कुछ इस तरह। अभी यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों, इसको कुछ इस तरह इसको कर्व बनाने के लिए, इस कर्व को सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा इस तरह हम इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों। ओके, इस कर्व को मैंने सॉफ्ट बनाने के लिए, ओके, तो अभी इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक है दोस्तों। ये रिजल्ट से हम हैप्पी है तो इसको, ओके ओके दोस्तों, इस रिजल्ट से मैं हैप्पी हूँ कर्व से। इस पे डबल क्लिक करके अभी के लिए वाइट कलर लेते हैं कुछ इस तरह। इसका कुछ डुप्लीकेट्स चाहिए दोस्तों हमें, इसको कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट बनाते हैं। ये नीचे वाले लेयर को जो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं दोस्तों, बाद में इसको, ओके, इसको कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसका जो अंकर पॉइंट है इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, इसका थोड़ा कुछ इतना, ओके, कुछ इतना हमने इसको रोटेट किया, यहाँ से भी इसका साइज बढ़ाते ये रोटेट किया तो, ओके, ये हमें मिल गया दोस्तों। इसको फिर से कंट्रोल जे डुप्लीकेट, इसका भी कलर थोड़ा लाइट कलर लेते हैं कुछ इस तरह, ओके, कंट्रोल टी, ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे, इसको भी थोड़ा कुछ इस तरह हम मूव कर देते हैं, ओके, मूव करने के बाद, ओके, थोड़ा सा और, ये ठीक रहेगा दोस्तों, ओके। तो बेसिकली ये शेप्स बन चुके हैं दोस्तों। अभी इस शेप को, ये टॉप वाली शेप को हम कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं दोस्तों। ऑफ करने के बाद अभी यहाँ पे ये फर्स्ट वाली लेयर पे हम यहाँ से कुछ इफेक्ट्स ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं। ओके, ड्रॉप शेडो मैंने अप्लाई किया 90, ओके,
इसी जो बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा दोस्तों 5, एक स्मॉल, बहुत स्मॉल। ओके देखिए दोस्तों कि एक बहुत स्मॉल ड्रॉप शेडो हमें यहाँ पे मिल गया दोस्तों। ओके इसी ड्रॉप शेडो को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इन दो लेयर्स पे पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिए तो बेसिकली ये भी हमें मिल गया कूल। अभी ये जो लेयर्स है इसको हम यहाँ से, ये मिडल वाली लेयर है ना, इसको हम कुछ ग्रेडिएंट अप्लाई करते हैं। इसको यहाँ से ग्रेडिएंट, यही ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे दोस्तों। ओके लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस क्या होगा कि इस लेयर को यहाँ पे और इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा और वाइट बना सकते हैं। तो ओके ओके तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह। अब ये प्लेस हो गया दोस्तों, कूल। ओके तो अभी ये जो नीचे वाली लेयर है इसका मैं ओपेसिटी रखता हूँ 40 कुछ इस तरह। एंड जो टॉप का है इसको भी अगर 40 रख देता हूँ तो 40 नहीं तो 80। ओके फॉर नाउ 80 इज ओके। अभी ये भी हो गया दोस्तों। अब ये जो टॉप वाली लेयर है इसको हम यहाँ से रिस्टराइज करते हैं, रिस्टराइज लेयर स्टाइल। अभी मैं वापस यहाँ से व्यू में से शो स्मार्ट ग्रिड, ओके ग्रिड्स, ग्रिड्स में लेके आया। इस लेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ से सिलेक्शन में से इसको। ओके इसको यहाँ से कट कर देते हैं, कट लेयर भी कट। फिर इस लेयर में आके यहाँ से लेयर भी कट। एंड लास्ट वन, अभी ये लेयर 3 पार्ट में हमें 3 लेयर्स मिल गए यहाँ पे। अभी ईच लेयर में हम डिफरेंट फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट फोटो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये फ़ोटो लेके आता हूँ तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इस फ़ोटो को इसमें मैं यहाँ से क्लिपिंग मास्क बना देता हूँ इसमें। तो इस फोटो को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी। सब में हम डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों।
राइट क्लिक, यहाँ से रिस्टर, रिस्टराइज नहीं चाहिए था, ओके, यहाँ से क्लिपिंग मास्क, तो कंट्रोल टी, उसका साइज भी छोटा बना सकते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और फोटो लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको भी यहाँ पे प्लेस करके, इसको हम ये लास्ट लेयर का क्लिपिंग मास्क बनाते हैं। तो अभी ओके, इसका तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा। अभी तक हमने जो इसको क्रिएट किया है दोस्तों, तो यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कंट्रोल जी बना देता हूँ, एक ग्रुप क्लिपिंग मास्क बोल के, ओके। इस डिज़ाइन को और खूबसूरत बनाने के लिए इस लेयर को हम कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म भी यहाँ से इसको हम अपवर्ड, ओके, कुछ इस तरह, इसको हम कंट्रोल जी, इस लेयर को हम यहाँ से कुछ कलर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू, ओके, ओपेसिटी कम करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, ओके। ओके, गुड, सो फॉर अभी पार्ट आया दोस्तों टेक्स्ट का, इसका जो टेक्स्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट तो आप लोगों को सिंपली पता होगा कि यहाँ पे मैं कुछ ही टिक्स लिख देता हूँ दोस्तों, बाकी आप लोग खुद लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम नेम, तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम लिखा, तो इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ रेगुलर, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ से बोल्ड, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसका जो स्पेसिंग है वो रखते हैं, फॉर एग्जांपल 10, ओके, साइज रखता हूँ 30, ओके, ये कंपनी नेम हो गया, तो इसको मेन टाइटल भी कह सकते हैं, यहाँ पे सब टाइटल का मैं यहाँ से रखता हूँ 12, स्पेसिंग 75, एंड ओके, इसका कलर रख देता हूँ मैं
यहाँ से कुछ डर ब्लू ओके एंड अभी ओके तो इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और इसको हम 18 रखते ओके इसको मैं कंट्रोल ए कलर रखता हूँ वाइट ओके ये हमारा कंपनी नेम टाइटल हो गया। यहाँ से मैं लोगो प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरह ओके इसका ओके इसका कलर रखता हूँ यहाँ से कुछ लाइट ब्लू ओके इसको कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म इसको हम 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री रोटेट करते हैं ओके एंड इसको जो कलर है हम यहाँ से ये कलर ओके एंड इसको इसके नीचे प्लेस कर देते हैं ओके इसको भी ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं दोस्तों ड्रॉप शेडो वही ओके इसका जो ड्रॉप शेडो है वो इस रेक्टेंगल के ऊपर भी तो बेसिकली ये हमें मिल गया दोस्तों इन दोनों को यहाँ से कंट्रोल जे ग्रुप एंड इस ग्रुप को हम इसको हम प्लेस करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एंड मैं यहाँ से लोगो लेके आता हूँ दोस्तों कंपनी लोगो मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ ओके यहाँ पे हमने लोगो यूज़ किया दोस्तों लोगो यूज़ करने के बाद अभी यहाँ पे सबटाइटल ये सब कुछ यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट आस को हम यहाँ से 18 ओके स्पेसिंग इसका 100 ओके ओके मैंने बोल्ड बनाया इसको इसको यहाँ भी प्लेस कर देते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे एक टेप में जाके यहाँ से कुछ पेस्ट कर देते हैं दोस्तों पेस्ट करने के बाद इसको कंट्रोल ए इसको रखते 10 स्पेसिंग रखते हैं कुछ इस तरह यहाँ से ये स्पेसिंग भी 25 ओके ये अबाउट आज हो गया दोस्तों दोस्तों तो इस ट्यूटोरियल को मैं ज़्यादा
लॉन्ग नहीं बना सक नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली हमारे डिज़ाइन तो हो गया दोस्तों, डिज़ाइन हमारा मेन आइडिया डिज़ाइन करना था तो डिज़ाइन हमने कर दिया दोस्तों। अभी इसमें सिर्फ टिक्स डालना बाकी है, वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से टिक्स डाल सकते हैं। तो मेन पर्पस हमारा ये था कि हम इस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करें। तो अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, हाउ टू क्रिएट दिस कूल ब्रोशर, थ्री फोल्ड ब्रोशर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय।